बुद्ध पूर्णिमा की सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन मौर्य और आप देख रहे हैं जनेता राज। आज पूरे विश्व में त्रिगुणी बौद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो साथियों, आज हम इस अवसर पर आपको बताने जा रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित वह महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है, बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वालों का एक मुख्य पर्व है। यह बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था, इसलिए इसे त्रिगुणी बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। साथियों, आपको बता दें कि 563 ईस्वी पूर्व बैसाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में आज नेपाल में है। पूर्णिमा के दिन ही 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। साथियों, इस वर्ष 2022 में बुद्ध पूर्णिमा 16 मई को ही पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। अगर आप भी बुद्ध अनुयायी हैं और आप चाहते हैं कि आप भी अपने घर पर अपने आस पड़ोस में सामूहिक रूप से बुद्ध पूर्णिमा मनाएं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाते हैं। तो साथी, आपको बता दें, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही सुजाता तथागत बुद्ध के पास खीर लेकर पहुंची। इस खीर को खाने के बाद कई दिनों से भूखे तथागत के शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ। यही कारण है कि इस दिन हर घर में खीर बनाई जाती है और प्रसाद के रूप में वितरण भी किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध विहारों को फूलों से बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है और भगवान बुद्ध की प्रार्थना के लिए आयोजन किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले बुद्ध विहार या किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होकर पंचशील त्रिशरण और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का स्मरण व उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा कई प्रकार के सामाजिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं या कराए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से संगीत का प्रोग्राम हो गया, नृत्य, नाटक, ये तमाम प्रोग्राम ऐसे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कराए जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध विहारों में पंचशील का झंडा प्रमुखता से लहराया जाता है या फहराया जाता है। पंचशील झंडा आप देख सकते हैं जो हमें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस दिन बौद्ध विहार में बुद्ध अनुयायी भिक्षु संघ को दान देते हैं व विभिन्न आयोजन कराते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अधिकतर लोग पिंजरे में कैद पक्षियों और जानवरों को आजाद कर इस उत्सव को मनाते हैं और संदेश देते हैं कि विश्व में किसी भी प्राणी मात्र पर हिंसा नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अन्य देश की बात करें तो श्रीलंका में इस दिन बैसाख उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि बैसाख शब्द का अपभ्रंश है। इसके अलावा इस दिन बौद्ध घरों को फूलों से सजाकर दीपक जलाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, मिठाई बनाई जाती है, नए वस्त्र पहने जाते हैं। विश्व भर से इन दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध गया आते हैं और तथागत बुद्ध को नमन करते हैं, पंचशील और उनकी दी गई शिक्षाओं को स्मरण करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध धर्म ग्रंथ उनका लगातार पाठ किया जाता है। तो साथियों, ये थी बुद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी लोगों में शेयर करना ना भूलें जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो हर एक बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी के लिए ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि अगर हम बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो ये भी आना चाहिए कि बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाते हैं और इस पर क्या आयोजन किए जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज़। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।